आज हम लोग पढ़ेंगे HTML टैग के बारे में, ठीक है। HTML टैग होता क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट के अंदर में जो लिखा हुआ HTML, हेड, टाइटल, ठीक है, फिर जो क्लोजिंग मतलब एक स्लैश के साथ भी लिखा हुआ हेड, बॉडी, HTML, तो ये इसी को कहते हैं हम लोग HTML टैग। क्या कहते हैं इसको? HTML टैग कहते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो इसी HTML के हेल्प से, डैट मीन्स इसी HTML लैंग्वेज से, ठीक है, इसी कोड से हम लोग उस वेब पेज को डेवलप करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो है, जैसे कि एक है HTML एंड उसके एक है एंगल ब्रैकेट में स्लैश HTML, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब ये देखिए, जो एक एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग। और एक जो HTML स्लैश के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक ना, ये स्लैश के साथ जो लिखा हुआ HTML उसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, ये पूरा कंप्लीट HTML एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग, ठीक है। और दूसरा चीज़ है HTML का ये स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम लोग कोई भी HTML यानी किसी भी वेब पेज का हम लोग HTML कोडिंग करते हैं HTML लैंग्वेज में, ये इसका स्टैंडर्ड क्या होता है? ये इसका स्टैंडर्ड HTML स्ट्रक्चर होता है। डैट मीन्स ऊपर में सबसे पहले HTML हम लोग लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग टाइटल लिखेंगे, टाइटल को क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग टैग के साथ टाइटल का, फिर हेड को भी क्लोज करेंगे हेड का क्लोजिंग टैग के साथ, फिर बॉडी, बॉडी में देखिए हम लोग अगर लिख रहे हैं दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, उसके बाद बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर लास्ट में हम लोग HTML टैग को क्लोज करेंगे। टाइटल हम लोग यहाँ देखिए एग्जांपल के लिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि वेलकम टू टाइटल पेज लिखे हुए, ठीक है। तो ये HTML का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम लोग कोई HTML कोडिंग करते हैं तो इसी फॉर्मेट में हम लोग करते हैं HTML कोडिंग। और जो कुछ हम लोग लिखते हैं ये बॉडी में ही लिखेंगे। बॉडी में अगर कुछ हम लोग को टेक्स्ट जो दिखाना वेब पेज में, यहाँ से बॉडी में टाइप करके हम लोग उसको दिखा सकते हैं। टाइटल जो जो कुछ भी देना है कि टाइटल जो दिखेगा, ठीक है, तो वो यहाँ हम लोग देंगे, वो है वेब पेज का ऊपर, ऊपर में ये टाइटल दिखता है और ये है वेब पेज में, ये बॉडी के अंदर जो लिखेंगे ये वेब पेज में दिखेगा। तो जैसे देखिए अभी सेव करके हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये खुलता है वेब ब्राउजर में, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से सेव सेवेज करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, वेलकम का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट वेब पेज लिखते हैं, फर्स्ट वेब पेज। और जब भी हम लोग कोई HTML पेज को सेव करेंगे तो डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, तभी वो वेब ब्राउजर में खुलेगा। अगर डॉट HTML या डॉट HTML के साथ अगर नहीं सेव करेंगे तो वेब ब्राउजर में नहीं खुलेगा। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग इसको जहाँ सेव किए वहाँ से वेब ब्राउजर में खोल कर देखते हैं, ठीक है, ये खुलता है कि नहीं एज ए वेब पेज के तरह। चलिए तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं, देखिए फर्स्ट वेब पेज HTML के नाम से सेव किए हैं, ठीक है, ये देखिए ओपन विद बोल रहा है। तो वेब ब्राउजर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग गूगल क्रोम, और ये देखिए है ना, ये वहाँ पे बॉडी के अंदर में मैंने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये ब्राउजर में दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरह से हम लोग किसी भी HTML पेज को डेवलप करते हैं, ठीक है, इस बॉडी के अंदर जो कुछ लिखते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे दिखता, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं और डिस्क्राइब करूँगा इस चीज़ को। तो ओके, थैंक यू।